कि बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा दीदी ने फैलाई है, इसकी प्रतीक श्री देवेंद्रनाथ रॉय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुआ कर, दीदी के गुंडों ने इनकी हत्या करी, उनको लटका दिया और आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। ऐसे 130 से ज्यादा कार्यकर्ता दीदी ने भाजपा के मौत के घाट उतारे। दीदी, आपके गुंडे क्या समझते हैं कि कुछ नहीं होगा? मैं आपको यहां से कहने वाला हूं, टीएमसी के गुंडों कान खोल कर सुन लो। 2 तारीख को दीदी की सरकार जाने वाली है, पाताल में भी छिपोगे, जमीन खोद कर ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। परसों के चुनाव में दीदी ने भाषण किया कि सीआरपीएफ के ऊपर हमला करो और उनके उकसावे में आकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, सीआरपीएफ के हथियार छीने, गोलीबारी हुई, 4 युवाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। हमें इसका अफसोस, परंतु दीदी उसी दिन सुबह भाजपा का एक कार्यकर्ता बर्मन भी मारा गया, आपको इसकी जरा भी नहीं पड़ी। ना आपने उसको श्रद्धांजलि दी, ना उसकी जांच के लिए पुलिस दल की घटना करने का हुकुम दिया। क्यों भाई, ये बर्मन बंगाल का पुत्र नहीं था क्या? मगर वो आपकी वोट बैंक नहीं था, वो राजवंशी समाज का युवा था, इसलिए आपने नहीं किया। मगर बर्मन को मारने वाले खैर मना लो, 2 तारीख को दीदी की सरकार जाने वाली है, भाजपा की सरकार आने वाली है और चुन चुन कर सबको जेल में डालने का काम करने वाली।